दास, अर्चना, क्या हुआ था आपके साथ और किस लड़के ने कितने दिनों तक आपको धोखा दिया? और पूरी बात बताइए एक बार। अनिल सरकार पहले नाम बता के मेरे लाइफ में आया, शादी भी किया हमारे गांव में जाके हिंदू रीति रिवाज से। शादी करने के बाद जब मैं प्रेग्नेंट हुई उसके बाद वो कहता था कि लड़के का अजीब अजीब नाम बताता था, तो मैंने कहा नाम थोड़ा अजीब है, मुस्लिम टाइप का लगता है। तो फिर उसने मुझे अभी 2-3 महीने पहले ही मुझे उसने बताया मैं मुस्लिम हूँ। प्रेग्नेंट जब मैं बच्चा जब गिराने लायक नहीं रहा तभी उसने मुझे बताया कि मुस्लिम हूँ। फिर मुझे जबरदस्ती खाली नमाज पढ़ने के लिए बोलता था, आए दिन मार पीट झगड़ा अशांति करते रहता था। इस तरह करने के लिए मुझे शुक्रवार के रात को मारने की कोशिश किया गला दबा के। वो तो शुक्र मना मेरा बेटी था जो मैं बच गई। मैंने इसके लिए पुलिस थाने में भी गया और बाकी मेरे को मारपीट के सारा जेवर पैसे सब लेके भाग गया। अब आपने जब पुलिस अधिकारियों को से बात करी तो क्या आश्वासन मिला है? कोई फोन वगैरह आया पुलिस का? नहीं कुछ नहीं आया। मैंने एक भैया था पुलिस ऑफिसर, तो मैंने कहा भैया ऐसा ऐसा बात है, तो बोल रहा आप घर जाओ मैं सब ठीक कर दूंगी। मेरे सामने सिर्फ एक बार तनवीर जी को फोन किया था, फोन करने के बाद बताया कि ऐसा ऐसा बात है, तुम अपने बीवी से लड़ाई करते हो थाने में आके मिलो। उसके बाद उन्होंने ऐसा कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया। 8 दिन तक मेरे आदमी का फोन नंबर बंद था। उसके बाद उन्होंने मैंने को 6 दिन बाद फोन किया, तो मैंने पुलिस थाने में तुरंत फोन करके बताया कि सर अभी उनका फोन आया था, आप लोकेशन पता कीजिए। लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ नहीं, कोई कोई कार्रवाई नहीं किया। फिर मैंने बोला मैं महिला थाना जाऊंगी, तो उन्होंने बोला ठीक है महिला थाना जाइए, जो करना है आप कर लीजिए। अच्छा, तो आपको कब पता चला था कि जो जो आपके हस्बैंड हैं वो हाँ जी मुस्लिम है? कितने दिन पहले पता लगा? 3-4 महीने पहले ही पता चला। अच्छा, उसके बाद आपने लगातार उसका विरोध शुरू किया? नहीं मैंने कोई विरोध नहीं किया क्योंकि जो होना था मेरे किस्मत में तो हो ही गया, क्योंकि अभी मैं अपने घर वाले को बात भी नहीं बता पाया। मैंने खाली इतना बोला कि देखो जो होना था हो गया, अब मेरे पेट में बच्चा, अब तो मैं जैसा भी है मेरा मजबूरी रह गया था उसके साथ रहना। उसके बाद उसके उसके दबाव में मैं पढ़ते रही। फिर मुझे जबरदस्ती बोलते रहता था हिंदू बनना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा। मुस्लिम बनना मुझे पड़ेगा। जबरदस्ती मुसलमान ही बनाने की कोशिश कर रहा था। लेकिन मैंने उनको बोला था ठीक है कोई बात नहीं, आप मुसलमान हो कोई बात नहीं, आप अपना धर्म करो मैं अपना धर्म करूंगी। वो मुझे पूजा पाठ करने के लिए रोकना शुरू कर दिया, टोकना शुरू कर दिया, बोलता मंदिर हटा ये हटा, बहुत मतलब मेरे को तो आप तमाशा फोन करने करके लगा। कुछ कहता है? फोन करके मुझे बहुत गाली गलौज देता है, मारने का धमकी दे रहा है। चलिए ठीक। फोटो पूरा दिखाओ ना फोटो। बेटा, क्या हुआ था उस दिन आपकी मम्मी के साथ? मेरी मम्मी का गला दबा के मारने की कोशिश करी, मैं यहाँ पे छोया हुआ था। फिर छाका है हमारे दिन में छाका पहनते हैं, छाका में मेरा लग गया। फिर मैं उठ के देख रहा हूँ मेरी मम्मी का गला दबा के मारने की कोशिश कर लिया, मैं चीखी चिल्लाए फिर भी नहीं छोड़ा। फिर मुक्का मारने लगा मेरा यहाँ पे लग गया, फिर यहाँ से खून निकल के वो मेरा खून देख के फिर मम्मी को छोड़ दिया। कौन था वो आदमी जिसने मारा था? मेरा पापा था।
अच्छा, पापा क्या करता है आपका? पापा शिक्लो लाइट में आगे काम करते हैं। अच्छा, क्या नाम है पापा? पापा का क्या नाम? पापा का नाम तनवीर आलम। ठीक है बेटा, एक मिनट। बेटा आपका क्या नाम है? मेरा नाम आरजू सरकार है। ठीक है।